तो सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं एक्स पार्टी डाइवर्स किस प्रकार से मिलता है, लेकिन आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ सके, प्लीज़ आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, एक्स पार्टी डाइवर्स किस प्रकार से मिलता है। एक्स पार्टी डाइवर्स ये अलग से पेश नहीं होता है दोस्तों, इसमें एक्स पार्टी कोई भी व्यक्ति 13 सेक्शन 13 में तलाक का एप्लीकेशन पेश की जाती है। उसके बाद अगर मान लो लड़के की तरफ से तलाक की एप्लीकेशन पेश की जाती है, उसमें जैसे ही आप कोर्ट में पेश करोगे, कोर्ट उसको रजिस्टर्ड करके जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने तलाक लेना चाहते हैं उसके खिलाफ समन जारी करेगा। कोर्ट समन जारी करने के बाद कोर्ट उसमें 1 महीने या 1.5 महीने का तारीख देगा। उस समन को जिस लड़की के पास या जिससे आप तलाक लेना चाहते हैं वहाँ वो समन कोई भी 4th क्लास या पुलिस के द्वारा समन उनके पते पर जाएगा। उस पते पर जाने के बाद मान लो किसी कारणवश वो उस पते पर नहीं रहते तो समन वापस अदम तामील में लौट के आ जाता, तो फिर नेक्स्ट डेट पे वैसे ही समन तामील के लिए भेजा जाता है। अगर मान लो वो समन तामील हो जाता है, उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि हमारे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी ने भी तलाक के लिए अर्जी पेश की है, अगर तलाक की अर्जी पेश करने के बाद उसको पता होने के बावजूद भी वो कोर्ट में उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट एक तरफा कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आजकल कोर्ट टाइम देता है कि मान लो इस डेट को नहीं आता है तो अगले नेक्स्ट डेट के लिए उसे अवसर दे दिया जाता है। अगर उस डेट को भी वो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता या कोई भी लड़का या लड़की उपस्थित नहीं होता है तो कोर्ट यह देखता है कि इसमें जो तलाक ले रहा है वो व्यक्ति सही है और जो तलाक नहीं देना चाहता है उसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कोर्ट एक तरफा एक्स पार्टी कर देता है। मतलब उसकी तरफ से एक्स पार्टी लिखी जाती है, एक्स पार्टी मतलब एक तरफा कार्रवाई सुन सकता है कोर्ट। जिस व्यक्ति को समन तामील किया है उससे बंद कर दिया जाता है, ना तो वो जवाब दे सकता है नहीं कोर्ट में उपस्थित हो सकता। इस तरह कोर्ट देखने के बाद कोर्ट हर स्टेज पार होने के बाद भी व्यक्ति नहीं आता है तो कोर्ट बिल्कुल जल्दी से उस व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टी तलाक दे दिया जाता है, क्योंकि एक्स पार्टी तलाक जब दूसरा पक्ष या विपक्ष जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं है, तो कोर्ट ये देखता है कि अब इस व्यक्ति को एक्स पार्टी में ही तलाक की डिग्री दे दी जाती है। इससे दोस्तों मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद है कि जब कभी भी आप इस प्रकार तलाक का केस पेश करते हो और जब दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति नहीं उपस्थित होता है तो आपको एक्स पार्टी में तलाक की डिग्री मिल जाती है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है एक्स पार्टी तलाक लेने का। मान लो जब 13B सेक्शन में या किसी में अगर वह पार्टी आ जाती है या 13 में पार्टी आती है, जवाब देती है, बहस होती है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए एक्स पार्टी इसे कहते हैं एक तरफा सुनवाई का अधिकार। एक तरफ सुनकर ही उसके पक्ष में फैसला देना एक्स पार्टी डाइवर्स कहलाता है। अगर मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।